गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज फर्स्ट ईयर AHDP सेकंड सेमेस्टर फिजियोलॉजी में हम पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। इससे पहले मैंने आपको शॉक पढ़ाए थे, शॉक, तो उसमें एक एनाफाइलेक्टिक शॉक था। उसमें मेरे ख्याल से शायद मैंने वासो डायलेटर में वेसल्स का डायलेट होना तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें शायद मैंने इसकी परमेबिलिटी वेसल्स की शायद बढ़ना बता दिया होगा। ऐसा नहीं होता, तो इसको एनाफाइलेक्टिक शॉक को, एलर्जिक आघात को हम दोबारा इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कुछ ने पूछा है तो है ना भाई, जब किसी भी बाह्य पदार्थ को, मैंने आपको बताया, एंटीजन को बॉडी में प्रवेश करवाते हैं तो एंटीबॉडीज रिएक्शन होता है, तथा मास्ट सेल, अब ये भी पूछा है किसी ने कि मास्ट सेल क्या है। मास्ट सेल जो है वो बेसोफिल की तरह ही होती हैं, और इनके अंदर जो है ग्रेन्यूल्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स, तो वो ग्रेन्यूल्स जो है हिस्टामिन उनमें भरी होती है, हिस्टामिन रखते हैं ये ग्रेन्यूल्स। तो जब ये इस तरह से एंटीजन प्रवेश करता है तो ये हिस्टामिन रिलीज होती है इनमें से। ये मास्ट सेल जो है वो, इनको मास्टोसाइट या लेब्रोसाइट भी कहते हैं। तो जैसे इन्फ्लेमेशन होती है ना, तो वो इसी से ये जो हिस्टामिन रिलीज होता है ये आपको मैंने बता दिया, और उस समय इओसिनोफिल की संख्या बढ़ जाती है। अब इसको ध्यान से सुनना, इसमें लिखा है ना अथवा इओसिनोफिल, हिस्टामिन अथवा इओसिनोफिल दोनों, क्योंकि उधर हिस्टामिन बढ़ जाती है और इओसिनोफिल के नंबर बढ़ जाते हैं। नॉर्मल के अंदर ह्यूमन बीइंग में 0 से 1 या 2 होते हैं ये, और जानवर में 1 से 6%, यानी कि 100 में इनकी गिनती इतनी आती है, 0 या 1 या। लेकिन अगर किसी को ह्यूमन बीइंग में अगर 2 से 4 या 4 से अधिक बड़े हुए पाए जाते हैं, एलर्जी कंडीशन जो है मान ली जाती है, कहा जाता है कि एलर्जी है इनसे। लेकिन इसमें जानवरों में 1 से 6% नॉर्मल है, 6 से बढ़ने के बाद ये कंडीशन आएगी। तो ये क्या करते हैं, इसके कारण जो है वासो डायलेटर हो जाता है, वेसल्स डायलेट हो जाती हैं। तो जब वेसल डायलेट हो गई तो उसके अंदर जो खून है वो जो प्रवाह कर रहा है उसका वॉल्यूम कम हो गया, क्योंकि अगर कंस्ट्रिक्टेड थी वेसल तो वो पूरा पूरा था, फिल्ड थी वो पूरी, अब वो डायलेट हो गई हैं तो वो खाली हो गई हैं, यानी कि इसका वॉल्यूम कम हो गया। इसके साथ साथ ही ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर करती है, तो अब ब्रोंकियोल्स जो हैं वो लंग्स में वो कंस्ट्रिक्ट हो गए, तो अब हवा कम जा रही है, तो उधर से तो ऑक्सीजन कम आ रही है फेफड़ों में, और इधर से वासो डायलेट हो गए हैं और ब्लड की सप्लाई जो क्या है वो पूरे प्रेशर से नहीं जा रही, क्योंकि वो कंस्ट्रिक्टर नहीं है, अब वो वासो डायलेटर हो गए, खुल गए हैं वो। तो ये दो कारणों से क्या होता है, सांस में प्रॉब्लम आ गई, अब वो रक्त की सप्लाई जो है वो पूरी नहीं है, तो अथवा चिकनी पेशियों में संकुचन कंट्रक्शन उत्पन्न करके रक्त का सक्रिय क्रियाशील आयतन जो है वो घट जाता है, क्रियाशील जो आयतन है, क्योंकि वो वासो डायलेट हो गई हैं, अब वासो डायलेटर डायलेट हो गई हैं, अगर वेसल्स डायलेट हो गई हैं तो वो जो प्रॉपर वे में जो आयतन होना चाहिए था उसका वो आयतन अब वो पूरा नहीं है, तो इसके आयतन को घट गया, घटा देते हैं, और इसमें होने वाले आघात को एनाफाइलेक्टिक शॉक कहते हैं। तो इसमें पेनिसिलिन का इंजेक्शन देना मैंने बताया था, पोलन ग्रेन जैसे फ्लावर है उसको सूंघने से भी बहुत से लोगों के इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, वैक्सीन है और सांप का जहर। तो ये जो कुछ छोटा सा इसमें नहीं ध्यान में आया था,
का जो है वो फोन आया था, पूछा था, तो ये इसमें आप इसको अच्छी तरह से, ये एलर्जिक शॉक जो है इसके बारे में, और ये शॉक सारे आप जो हैं सारे के सारे आपको आने चाहिए, कार्डियोजेनिक है, हेमरेजिक है, टॉक्सिक है, ट्रोमेटिक है और एनाफाइलेक्टिक है, ये सारे के सारे, जिसमें एनाफाइलेक्टिक शॉक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आज शुरू जो है यूरिनरी सिस्टम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा लेसन फिजियोलॉजी का 12 है, 12 नंबर है, परिचय है। कोशिकीय उपापचय के दौरान, मेटाबॉलिज्म के दौरान, जब सेल में मेटाबॉलिज्म होता है, कुछ अवशिष्ट पदार्थ, वेस्ट मटेरियल जो है वो बनते हैं, उन्हें जल में घोल कर वह पुनः अवशोषण के सिद्धांत द्वारा अवशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालने को एक्सक्रीशन कहते हैं या उत्सर्जन कहते हैं। इस तंत्र में निम्न अंग हैं। पहला है गुर्दे हैं, वृक्क किडनी है, उसके बाद में गुर्दे से यूरेटर आता है और यूरेटर यूरिनरी ब्लेडर में खुलता है। किडनी जो है, वृक्क जो है, वो इसको यूरिन को बनाने का काम करती है, यूरेटर जो है वो उसको यूरिनरी ब्लेडर तक ले जाने का काम करते हैं, और मूत्र मार्ग यूरेथ्रा उसको बाहर निकालने का काम करता है, ये इसके कार्य हैं। तो अब किडनी क्या करती है? यह मूत्र निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह संख्या में दो होते हैं, एक बायां और दूसरा दायां। दोनों वृक्क उदर गुहा के पश्च भाग में पेरिटोनियल कैविटी के बाहर स्थित होते हैं। तो आपको पता है कुछ अंग हैं जो पेरिटोनियल कैविटी में होते हैं, जैसे लीवर वगैरह, लेकिन ये पेरिटोनियल कैविटी के बाहर की साइड में होते हैं। अब आपको पेरिटोनियल कैविटी तो समझाई है कि पेरिटोनियल कैविटी जो है एक उसकी जो है, एक तो विसरल है पेरिटोनियल, एक है अब्डोमिनल। तो अब्डोमिनल बाहर की साइड और विसरल ऑर्गन के ऊपर अंदर की साइड, इन दोनों के बीच में जो स्पेस रहता है वो जो है पेरिटोनियल कैविटी है, और उसके अंदर बिल्कुल थिन फिल्म की तरह से फ्लूड भरा रहता है ताकि इन दोनों का आपस में घर्षण नहीं हो। तो ये एक बहुत ही, तो ये जो है पेरिटोनियल कैविटी के बाहर जो है स्थित होता है, ये पेरिटोनियल कैविटी में नहीं। इसके दो भाग होते हैं, बाह्य भाग जिसे कोर्टेक्स कहते हैं तथा दूसरा अंदर का भाग जिसे मेडुला कहते हैं। ये आपने देखा है कि ये बीन शेप्ड इस तरह से होती हैं, तो इसका एक कॉन्वेक्स है और एक कॉनकेव है। कॉनकेव उभरा हुआ भाग, कॉन्वेक्स अंदर बैठा हुआ। तो जो कॉन्वेक्स साइड है इसकी, वो इसकी मेडुला साइड है, और जो कॉन्वेक्स साइड है वो इसकी कॉर्टेक्स। आप इधर किडनी को जब ये डायग्राम दिया हुआ है इसको देखोगे समझ में आ जाएगा। और वृक्क की क्रियात्मक व रचनात्मक इकाई जो है वो नेफ्रॉन कहलाती है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन कहते हैं इसको। अब यहाँ वृक्क की आंतरिक रचना इन्होंने दे रखी है, ये मेडुला दिखा रखा है, ये कॉर्टेक्स बाहर की साइड में, मेडुला देखिए अंदर की साइड में। इसमें हाइलस ऑफ किडनी दे रखा है, हाइलस, हाइलस क्या होता है? जहाँ पर वो जगह है किडनी की जहाँ से रीनल आर्टरी एंटर करती है, रीनल वेन आउट होती है और यूरेटर आउट होता है, जहाँ से इस जगह को, जहाँ से ये तीनों अंदर और बाहर, यानी कि रीनल आर्टरी अंदर आएगी, रीनल वेन बाहर जाएगी, ये आती है क्योंकि रीनल आर्टरी सप्लाई कर रही है ब्लड को, और वो जो है वो ले जा रही है रीनल वेन, और यूरेटर यहाँ से यूरिन को लेके जा रहा है। तो ये तीनों जहाँ से निकलते हैं इस पॉइंट को हाइलस कहते हैं, और जहाँ से यूरेटर जो है वो कप शेप संरचना ऑफ द यूरेटर जो यूरिन को कलेक्ट करती हैं वो जो है वो पेल्विस कहलाता है। तो ये इसमें आप इस देखेंगे। तो इसके वृक्क के कार्य क्या हैं ये हम पहले देखने जा रहे हैं। वृक्कों का मुख्य कार्य रक्त को छानना व छने हुए तरल पदार्थ में शरीर के लिए उपयोग आवश्यक पदार्थों का पुनः अवशोषण करके मूत्र का निर्माण करना, कंसंट्रेट करता है ये मूत्र को। ADH जो है, वासोप्रेसिन जो होता है ना हार्मोन, उसके तहत ये एक्शन होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है ये, और सोडियम क्लोराइड को बाहर निकालता है। उपापचय मेटाबॉलिज्म क्रिया के दौरान उत्पन्न अवशिष्टों को मूत्र के साथ बाहर निकालना, विशेष तौर से प्रोटीन के अवशिष्ट जिसमें यूरिया, यूरिक एसिड और क्रेटिनिन, अमोनिया आदि, इनको ये मूत्र
में लिक्विड फॉर्म में करके और इसको ये बाहर निकालते हैं। रक्त के एवं शरीर के अन्य तरल द्रव्यों के रासायनिक संघटन को नियंत्रित करता है। रासायनिक केमिकल कंपोजिशन जो है वो जितने भी रक्त के अंदर अन्य तरल द्रव्य हैं, पदार्थ हैं, तरल हैं, उनके सबकी केमिकल कंपोजिशन को ये मेंटेन करता है, नियंत्रित करता है। संपूर्ण शरीर में जल के संतुलन का नियमन करके रक्त के प्लाज्मा के आयतन को स्थिर रखता है। बहुत इंपॉर्टेंट, शरीर के द्रव्यों का पीएच बनाए रखता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शरीर में स्थित तरल पदार्थों के ऑस्मोटिक प्रेशर को नियमित नियंत्रित रखता है। वृक्क द्वारा कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन्स का निर्माण होता है, तो ये हार्मोन है, ये इम्पोर्टेंट है, इनको आप ध्यान से सुने और इनको ध्यान से पढ़ें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला है एरिथ्रोपोएटिन, इसे आप स्वयं ही समझ गए, एरिथ्रो का मतलब है ब्लड, एरिथ्रोसाइट से ही है। तो ये क्या है, ऐसा सब्सटांस है जो किडनी द्वारा प्रोड्यूस होता है और जो आरबीसी के बोन में फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये इसमें लिखा हुआ है भी है कि एरिथ्रोपोएटिन जो है का निर्माण करना, यह हार्मोन रक्त निर्माण के लिए आवश्यक होता है। दूसरा है वो है रेनिन, रेनिन हार्मोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। वासोप्रेसिन और रेनिन, इन दोनों को बहुत ये इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना, याद करना। रेनिन ये जो है एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड होती है उसके कॉर्टेक्स से, एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोना ग्लोमेरुलोजा सेल जो है ना, जोना ग्लोमेरुलोजा द्वारा स्त्रावित होता है, जो जगता ग्लोमेरुलस में होती है ना, किडनी की सेल है जो जगता जोना ग्लोमेरुलोजा में से स्रावित होता है, तथा एल्डोस्टेरोन हार्मोन को नियंत्रित करता है। अब ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या है, ये मिनरलोकॉर्टिकोइड हार्मोन है, मिनरलोकॉर्टिकोइड हार्मोन है जिसको ये नियंत्रित करता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन को ये नियंत्रित करता है। तो ये इसके रेनिन के कार्य हुए। कुछ अन्य हार्मोन की कार्यकारी पर भी असर डालता है, जैसे वैसोप्रेसिन, इसका पूरा नाम है अर्गिनिन या आर्जिनिन वैसोप्रेसिन, और ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, इसको एडीएच लिखा हुआ है, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब देखो एक होता है डायूरेटिक, एक होता है एंटी डायूरेटिक। तो एंटी डायूरेटिक क्या करेगा, पेशाब को कम करने में मदद करेगा। तो कैसे करेगा ये पेशाब, ये पानी जो है वो जो निकल गया उसमें से, गुर्दे में से, उसका रीअब्जॉर्प्शन करता है ताकि पेशाब जो है वो डाइल्यूट ना होकर के कंसंट्रेट हो जाए और ज़्यादा मात्रा में पानी जो है वो बॉडी से ना निकले, क्योंकि ये बॉडी के अंदर पानी का जो बैलेंस रखना वो इसका काम है। तो ये जो है कार्य जो है वो करता है वासोप्रेसिन, और ये पोस्टीरियर पिचुटरी से सिक्रीट होता है। तो ये इसमें दे नहीं रखे हैं, या आप नोट कर लें लेक्चर में, आप जब इसको सुनेंगे तो अभी सुन रहे हैं तो उनको साथ में नोट करते चले जाओ, नहीं तो ये दोबारा आप जो इसको नोट कर लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आता है थायरॉयड हार्मोन। अब ये थायरॉयड हार्मोन कई तरह के हैं, कितने हैं, पहला है TSH, थायरोड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है। उसके बाद में आता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH, वो है TSH, ये सारे थायरोक्सिन ही हैं, थायरॉयड ही हैं ये। इसके बाद में आता है थायरोक्सिन हार्मोन, जिसको T4 कहते हैं, अपने कहते हैं ना कि भाई थायरॉयड चेक करवाओ, तो थायरॉयड में हमने T1, T2, T3, T4 ये उसके रिजल्ट्स में आते हैं, तो ये T4 है थायरोक्सिन जो है। ट्राईआइडोथायरोक्सिन हार्मोन ये है T3, ये T3 हार्मोन है। तो ये थायरॉयड हार्मोन में ये बहुत सारे हार्मोन है ये आते हैं, तो ये भी इसके कार्य हैं, इनका भी ये कंट्रोल है, हार्मोन की कार्यक्रिया सब इन पे भी असर इसका पड़ता है। उसके बाद में आता है एडिनो हाइपोफाइसियल ग्रोथ हार्मोन,
एडिनो हाइपोफाइसीलियर ग्रोथ हार्मोन, ये एंटीरियर पिचुटरी से रिलीज होता है। इसमें कहीं नहीं दिया हुआ लेकिन आप इसको नोट करें, ये एंटीरियर पिचुटरी से, और जितने भी टोटल ग्रोथ हार्मोन्स इसमें आ जाते हैं, जितने भी ग्रोथ हार्मोन हैं वो इसमें आ जाते हैं, एडिनो हाइपोफाइसियल ग्रोथ हार्मोन के अंदर आ जाते हैं सारे के सारे ग्रोथ हार्मोन। तो इनको भी रेगुलेट ये करता है, इनको भी कंट्रोल करता है, इन पर असर डालता है। उसके बाद में आता है पैराथायरॉयड हार्मोन, PTH, पैराथायरॉयड हार्मोन। अब ये पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, ये सीरम में कैल्शियम की कंसंट्रेशन जो है ना उसको बरकरार रखता है। किस पे इफेक्ट डाल पे, बोन किडनी और इंटेस्टाइन पर इफेक्ट डाल करके सीरम के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन को प्रॉपर रखता है। तो ये आप इसको अच्छी तरह से इनको नोट कर लेना, ये जो है वो हार्मोन है और ये हार्मोन ये कार्य करते हैं, ये इतनी तरह के। अब है रक्तपूर्ति, ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी, ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी ये आती है। एक तो रीनल धमनी होती है, अंडरलाइन कर लेना, एक उधर मैंने आपको बताई थी हार्ट वाली सप्लाई और ये किडनी वाली, दोनों बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको याद करें। इसमें जो सप्लाई करती है वो रीनल धमनी है, रीनल आर्टरी है। वृक्क के पेल्विस में प्रवेश कर, रीनल आर्टरी जो ये देखिए, अगर आप इधर डायग्राम की तरफ भी देखेंगे सुनते हुए, तो ये रीनल, जो रीनल ए लिखा हुआ है इस पर, तो ये रीनल आर्टरी है। ये देखिए पेल्विस में प्रवेश कर रही है, हाइलस है ना ये, यहाँ ये सारे प्रवेश करते हैं वहाँ तो हाइलस है, अब ये पेल्विस जहाँ से यूरेटर में क्षण के खून, ये जो पेशाब जो आ रहा है, जो कप शेप संरचना जानी हुई है, देखे जो रीनल क्रेस्ट जहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ एंटर कर रही है। वृक्क के पेल्विस में प्रवेश कर इंटरलोबुलर लोब्यूल में अंदर चली जाती है, आर्टरीज, इंटरलोबुलर आर्टरीज और आर्क्यूएट आर्टरी। अभी आर्क्यूएट आर्टरी जो है, मैंने अभी आपको एक डायग्राम दिखाया है, उस डायग्राम को आप अच्छी तरह से देखें, ये उसके अंदर आर्क्यूएट आर्टरी को बड़े सुंदर तरीके से जो है वो ये दिखा रखा है, ये इसको आप देखें, ये जो वेन और आर्टरी हैं यहाँ देखिए, उस डायग्राम में आप देखें, ये आर्क्यूएट आर्टरी जब ये बड़ी हो जाती है आपस में, छोटी छोटी कैपिलरीज को मिलकर के ये बड़ी जो वेन और आर्टरी हैं, तो इनको आर्क्यूएट आर्टरी कहते हैं। इंटरलोबुलर आर्टरीज, इंट्रालोबुलर, दो लोब के बीच में, दो लोब हैं इसके, देखिए आप यहाँ पे दो इंटरलोबुलर, दो लोब के बीच में जो है वो इंट्रालोबुलर, और वो थी इंटरलोबुलर लोब के अंदर, वह एफेरेंट आर्टरीज, एफेरेंट आर्टरी जो इसमें आ रही है आर्टरी वो एफेरेंट है, और जो बाहर आएगी वो इफेरेंट होगी। कैपिलरी जो बनती है ना जगता ग्लोमेरुलस के अंदर, इसमें एफेरेंट आर्टरी आ रही है जिसका जो है व्यास है वो जस्ट डबल है इफेरेंट से, तो वो उसमें आ रही है, ये ब्लड लेके जाएगी, वो लेके आ रही है। तो एफेरेंट आर्टरी ये मिलकर के जो ग्लोमेरुलस कैपिलरी जो है वो बनाती हैं। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज क्या है, ये आप आगे ग्लोमेरुलस देखोगे, ये इसमें भी दिखा रखा है फोटो के अंदर, ये देखिए ये ग्लोमेरुलस है, तो ये कैपिलरीज है, यहाँ दिखा रखा है पूरी तरह से, बहुत अच्छा सा डायग्राम दिया है, इसके अंदर ये कैपिलरीज है, तो ये बनती है। अब है वासारेक्टा, रीनल ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ, जो ट्यूब्यूल्स हैं रीनल्स के, उसके चारों तरफ एक इफेरेंट आर्ट्रियोल, इफेरेंट कौन सी, जो लेके जा रही, लेके आई जो आर्टरी वो थी, ब्लड लेके आई वो एफेरेंट आर्टरी थी, जो वापस लेके जाएगी वो इफेरेंट आर्टरी है। तो इफेरेंट आर्ट्रियोल छोटे छोटे एक जाल बिछाते हैं जिन्हें पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं, वो ट्यूब्यूल के चारों तरफ घूमते हैं, तो इसलिए वो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज यहाँ दे रखी हैं। ये साथ साथ ही आप देख के इसको देखते रहो, ये आप देखो इस डायग्राम के अंदर ये दे रखी पेरी ट्यूबुलर, ये देखिए ये ट्यूबुल है और इसके चारों तरफ ये घूम रही है, इसलिए पेरी ट्यूबुलर
कैपिलरीज कहते हैं, यह मेडुला में स्थित है। मेडुलर कॉर्टेक्स दो भाग हैं उसके, तथा कॉर्टेक्स में जाकर ये कॉर्टिकल वेन से मिल जाती है, कॉर्टिकल वेन से मिल जाती है, जिसको वासा रेक्टा कहते हैं। ये है कॉर्टिकल, ये इधर देखिए, इस ट्रिब्यूल्स के ऊपर ही नीचे आप देखिए बड़े बड़े अक्षरों में वासा रेक्टा लिखा हुआ है, ये इसमें मिल जाती है, ये जो है वासा रेक्टा कहलाती है। ये नेफ्रोन के लंबे लूप से संबंधित है, ये लंबा लूप है इससे संबंधित है, तथा पेशाब को सांद्र बनाने में इसका विशेष योगदान है। सांद्र क्यों बनाती है? क्योंकि इसी ट्रिब्यूल्स में, ये जो है ना, इसी में रीअब्जर्प्शन ऑफ द वाटर होता है, रीअब्जर्प्शन ऑफ द वाटर होता है, तो पानी यहाँ सोख लिया जाता है, तो जब पानी सोख लिया जाता है तो यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड बन जाता है। तो ये आपका डायग्राम बहुत इसमें हेल्प करेगा। अब है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन वृक्क नलिका, नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है वो छोटे छोटे छोटी, वो उसको नेफ्रॉन कहते हैं। और ये दो प्रकार के नेफ्रॉन हैं, एक तो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, अब इसमें अपने आप ही पता चल गया, जो कॉर्टेक्स में होता है। इसके वे नेफ्रॉन, मैं वे नेफ्रॉन मैं ग्लोमेरुली के वृक्क के बाहरी हिस्से कॉर्टेक्स व मध्य कॉर्टेक्स में स्थित होते हैं, तो ये इसलिए कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहलाते हैं। इनका हिस्सा हैनले लूप के कॉर्टिकोमेडुलरी जंक्शन तक पहुंचता है, कॉर्टिकोमेडुलरी जंक्शन जहां दोनों का जंक्शन होता है, कॉर्टेक्स और मेडुला मिलते हैं, वहां तक जो लूप जाता है वहां तक इसका हिस्सा जो है वो इसमें रहता है। उसके बाद में आता है जगता मेडुलरी नेफ्रॉन, यह नेफ्रॉन का वैश है जो कॉर्टेक्स के नज़दीक वृक्क की मेडुला में होता है। इसका संबंध हैनले के लूप के उस हिस्से तक होता है जो मेडुला के गहराई पर होता है। नेफ्रॉन के निम्न भाग होते हैं, नेफ्रॉन के निम्न भाग हैं, पहला है ग्लोमेरुलस, ये नेफ्रॉन का भाग है, उसके बाद में बोमन्स कैप्सूल या ग्लोमेरुलस कैप्सूल, उसके बाद में है PCT प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स या DCT डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, हैनले लूप और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये जो हैं वो सारे नेफ्रॉन के जो है वो पार्ट हैं, और इनको हम नेक्स्ट जो है वो लेसन में करेंगे डिस्कस, क्योंकि ये खूब हो गया आज, इतना ही काफ़ी। अगर आप अच्छी तरह ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से ध्यान में करें। थैंक यू वेरी मच।